बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम की। जनता पर एक बार फिर से महंगाई का डबल अटैक हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी कि मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। आज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब सीएनजी 60 रुपए 62 पैसे प्रति किलो हो चुकी है। गौरतलब है कि 5 दिनों में सीएनजी के दामों में 6 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो महंगाई का ये डबल अटैक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो गया है, क्योंकि हर एक चीज पे दिन आप वीक में मतलब 7 डेज होते हैं तो हर दिन थोड़ा ना थोड़ा पेट्रोल पे, सीएनजी पे और गैस पे, अपनी एलपीजी पे, ये सब पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है। तो हमारे जैसे आम लोगों का जो है थोड़ा बजट काफी कुछ अपने बजट से बाहर निकल रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। ऐसा बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, ऐसा गुजारा नहीं हो रहा है सर, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है सर, मकान किराया नहीं दिया जा रहा सर, और दो वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है सर। हर 5वें रोज, 3रे रोज, 2रे रोज सीएनजी बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, उससे सभी लोग बहुत परेशान है सर। बिल्कुल असर पड़ेगा सर, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई, ऐसी बढ़ रही है। सीएनजी बढ़ने से हर तो बजट बिगड़ जाता है, सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ सोचे और इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। सर मेरे तो कमाई तो हो नहीं रहे, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, अब इसी में गुजारा करना पड़ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो सब सरकार के हाथ में है। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है महंगा या फिर सस्ता करना। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से और जानकारी देंगे। अमित, बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम, इसके अलावा सीएनजी के इस वक्त क्या दाम है और आम लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी युद्ध और यूक्रेन के बाद, युद्ध के चलते जो हालात होंगे, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और उसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा, उसका असर आम जनता पर दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से लगातार तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम पड़ रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। अगर बात करें खाद्य पदार्थ की तो तेल, चावल, चीनी, आटा, दाल, लगभग सभी कुछ चीजें महंगी हो गई है। और अब जिस तरीके से पेट्रोल, तेल के दाम बढ़े और अब सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑटो चालकों पर भी परेशानी का स्रोत बन रहा है। अगर बात करें सीएनजी की बल्लभगढ़ की तो यहाँ पर आज का रेट लगभग 70 रुपए हो चुका है, जिसको लेकर आज मैं आपको बता दूँ खासतौर पर जो ऑटो चालक यूनियन है उन्होंने भी खासतौर पर आज हड़ताल का आह्वान कराया है। सुबह से आज जगह जगह पर ऑटो चालक यूनियन के लीडर जो है वो ऑटो चालकों को रोकते हुए नजर आए, जिसको लेकर यहाँ परेशानी का सबब बना हुआ है। जो डेली अपने यात्रा करते हैं उसको लेकर यात्रा करने वाले यात्री परेशान होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ जो ऑटो चालक है उन्होंने 10 रुपए से किराया बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है, और जो 20 रुपए से जिस जगह पहुंचने के लिए उसके उन्होंने 30 रुपए कर दिया, तो इस पूरे बढ़ोतरी का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। जी ठीक है, किराया बढ़ेगा ही क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं और इसका साफ तौर पर असर आम जनता पर भी देखने को मिल रहा है। वहां पर जो ऑटो में सवारियां हैं उनका इसको लेकर क्या कहना है? इसके अलावा अगर आप आपके आसपास इस वक्त लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए इसको लेकर। देखिए इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ के सीएनजी पंप पर मेरे साथ मौजूद है एक ऑटो चालक। जी पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? नजायज है और क्या सर, हम लोग कमाओ खाना रहे हैं, बोलिए दिन भर में 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए से ऊपर तो कैसे भरा जाता है, क्या कमाएंगे खाएंगे, क्या बच्चे किराए के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या ये पेट्रोल गैस के कारण गैस है 80 या 50 रुपए गैस हो गया, अभी तो 80 पहुंच गया है, 2 रोज के अंदर मेरे में 85 पहुंच जाएगा, हर एक बार पड़ता है। यात्री भी पैसे करते हैं बड़े किराए को लेकर, उतर के बेचारे तो हो गए हैं और क्या करेंगे, हमको पेट ना भरेगा तो हम कहाँ से धोएंगे, अपना उतर के जो घूम रहे हैं खड़ी है बेचारे। और ये ऐसा कहने के जिस तरीके से किराए बढ़े हैं उसको लेकर यात्री और ड्राइवर दोनों ही परेशान है, क्योंकि जो ड्राइवर है इनकी भी मजबूरी है किराया बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले 4 महीने में लगभग 30 रुपए से ज्यादा सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, तो सर जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके जेब पर भी पड़ रहा है। जी
लोगों पर इसका असर पड़ रहा है और लोग इसी को लेकर परेशान है। लगातार विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमित, आपके पीछे कुछ और लोग मैं देख पा रही हूँ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए इसको लेकर, क्योंकि बढ़ती महंगाई से आज हर वर्ग परेशान है। जी बिल्कुल माता जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कुछ असर पड़ रहा है क्या घर पर? नहीं है मेरे साथ कुछ, और यहाँ वाहन चालक है जो सीएनजी गैस का यूज करते हैं, गाड़ी करते हैं। क्या नाम है जी? सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पड़ा है जी, बहुत फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ा है जी? हम जैसा मिले तो ये मान लो घर चलाने मुश्किल है, एक साल वैसे परेशान है, तबियत खराब है किसी की, कुछ तीन साल से पेशेंट हो रही, मेरे पापा जो है घर के ऊपर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असर पूरा घर के बजट पर पड़ रहा है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है और ठीक है, लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और आज देश प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर लोग परेशान इस बढ़ती महंगाई को लेकर और लगातार राहत की मांग यहां पर कर रहे हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने के लिए।